Hello everyone, we are back. So how are you all? I hope that you are fine. So today we will study about bio, topic number 2, chapter number 1, class 11th, that is diversity in the living world. Diversity means differences. तो आज हम लिविंग वर्ल्ड मीन्स लाइफ फॉर्म्स के अंदर डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे. सो लाइक इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स. सो एज वी ऑल नो कि हमारी पूरी धरती पर, पूरी अर्थ पर तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और उन सब में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं. अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं. सो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सब में डिफरेंसेस हैं, उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो अब हम इसमें उसी के बारे में पढ़ेंगे. सो देर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, लाइक स्मॉल बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो उन्हें हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं. If you increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. So, like the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number and types of organisms present on the अर्थ. ये हमारी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. सो इसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में. नोमेनक्लेचर, नाम से ही पता चल रहा है, नाम देना. लाइक जब कोई बेबी बोर्न होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसे नाम देते हैं. तो लाइक दिस, जब हम किसी एनिमल को या किसी भी प्लांट स्पीशीज को या किसी भी बर्ड स्पीशीज को या इंसेक्ट स्पीशीज को हम जब भी आइडेंटिफाई करते हैं तो हम सबसे पहले उसे नाम देते हैं. तो आगे हमारे पास आएगा, अभी हम पढ़ेंगे भी, टैक्सोनॉमी के बारे में. टैक्सोनॉमी क्या करती है, उसमें वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें नाम देते हैं, मतलब उनका नोमेनक्लेचर होता है, और फिर लास्ट में हम उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं बिटवीन डिफरेंट टैक्सन्स. लाइक आपने पढ़ा भी होगा अपनी जूनियर क्लासेस में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जो आज हम पढ़ेंगे भी. तो देखो नोमेनक्लेचर क्या होता है. देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नोमेनक्लेचर. इसमें हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. सी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम नोमेनक्लेचर करते क्यों हैं. सी, हमारी जो अर्थ है उसमें वेराइट, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, लाइफ फॉर्म्स, मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स. तो एज वी नो कि हमारी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं. तो अब उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, उनके वो अपने आसपास के एनिमल्स को अपनी लैंग्वेज से बुलाएंगे. तो इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज रखने के लिए कि पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही लैंग्वेज फॉलो हो, तो साइंटिस्ट ने, एक कारोलस लीनियस नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने ये नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ताकि पूरी वर्ल्ड में सभी लाइफ फॉर्म्स को एक ही नाम से जाना जाए. ठीक है. सो obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the naming is attached to. This is identification. Hum sabse pehle identification karte hain, maine aapko bataya hi hai. Fir uske baad
हम नेमिंग करते हैं. फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड अंडर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN. इसमें क्या होता है, ICBN इज द इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर. ये जो है ये प्लांट्स को नाम देती है. एंड यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड. अब हमें पता चल गया कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN ये तो प्लांट्स को नाम देती है, बट एनिमल्स को भी नाम देती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. जहाँ पर आपको बोटेनिकल मिल जाए मीन्स प्लांट्स, और जहाँ जूलॉजिकल मिल जाए जू यानी कि एनिमल्स, फिर ये नेमिंग हो जाती है. फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ते हैं, उससे पहले सी ईच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स. जो हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसके टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. और आप स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीशीज भी बोल सकते हो. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कॉम्पोनेंट इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर. मतलब इसमें टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं. सबसे पहला होता है जीनस, जेनेरा नेम, और दूसरा होता है स्पीशीज नेम. ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब जो हमारा सिस्टम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं. सो लाइक The scientific name of mango is written as Mangifera indica. अब आपने देखा होगा कि Mangifera indica में जो Mangifera है वो क्या है हमारे पास, genera, मतलब genus का name है, और जो indica है वो है हमारे पास species. ऐसे ही अगर हम humans की बात करें तो उसके अंदर humans के लिए biological name क्या होता है, होमो सैपियंस. होमो उसका जीनस है और सैपियंस उसका स्पीशीज है. तो इसके लिए रूल्स देखते हैं. फर्स्ट रूल है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिनाइज्ड होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और इटैलिक्स हैंडराइटिंग में होते हैं. द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स स्पीशीज. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड. अगर हम कोई बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं किसी भी प्लांट का या एनिमल का या बर्ड का, तो वो जो दो नेम्स होंगे जीनस और स्पीशीज वो सेपरेटली अंडरलाइंड होंगे, अदरवाइज वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर आता है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. लाइक हमने अभी पढ़ा था Mangifera indica में M कैपिटल होगा, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. एंड वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज का जो नाम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ Mangifera indica. सो आई होप आपको ये 4 के 4 रूल्स समझ में आ गए हैं. प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लेना या रिवाइज कर लेना. ओके, तो लाइक इसमें और हमें एग्जाम्पल्स गिवन हैं. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, जब हम कोई भी बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं ना, तो जिसने भी ये प्रपोज किया है लाइक कैरोलस लीनियस ने किया है, तो हम उस बायोलॉजिकल नेम के पीछे साइंटिस्ट का नेम भी लिखेंगे. जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ना Mangifera indica Linn. Linn का मतलब है लीनियस, मतलब इन्होंने प्रपोज किया था. सो इट इज़ कंपल्सरी बायोलॉजिकल नेम्स के लास्ट में उनके साइंटिस्ट का नेम लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, नेक्स्ट, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने नेमिंग भी कर दी. लास्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड. लाइक हम
स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बनाते हैं स्कूल में. सो इसी तरह से अब हम उन्हें उनकी क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे कि एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे और इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं टैक्सा. एनी कैटेगरी ग्रुप्ड ऑफ एनी कैटेगरी ग्रुप ऑफ एनी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. लाइक आगे हम टैक्सोनॉमिक हायरकी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें टैक्सा के बारे में पढ़ेंगे. साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा. डिफरेंट लेवल्स इन द टैक्सोनॉमी क्या होते हैं? टैक्साज होते हैं. अब देखो इसमें अगर हम बात करें, प्लांट ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा. लाइक होता है ना हमारे पास टैक्सोनॉमिकल हायरकी में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. जैसे किंगडम के बाद फाइलम आता है. फाइलम एनिमल्स के केसेस में आता है और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहाँ डिवीजन आ जाएगा, फाइलम नहीं आएगा. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी. ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को. फिर सेकेंड आता है सी. इसमें हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में. देखो करेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. अब हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में. सिस्टमैटिक इज अ स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज, ऑल्सो रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम. मतलब उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, वो कहाँ से इवोल्यूट हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स कौन हैं. सो सिस्टमैटिक इज अ स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज एंड ऑल्सो अबाउट देयर रिलेशनशिप्स. ओके, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. लीनियस, कार्लस लीनियस के बारे में अभी हमने पढ़ा पीछे. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. अब आते हैं हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ये जितनी भी है ना, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. और जैसे जीनस हो गया, फैमिली हो गया या स्पीशीज हो गया, इन सबको हम टैक्सा बोलते हैं, टैक्सन. डिफरेंट ग्रुप्स इन टैक्सोनॉमिक हायरकी, इनको हम टैक्सन बोलते हैं. सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरकी. ये सभी कैटेगरीज मिलकर क्या बना देती हैं? टैक्सोनॉमिक हायरकी बना देती हैं. फिर टैक्सोनॉमिक हायरकी टैक्सन्स के नेम गिवन है इधर. किंगडम, फाइलम और डिवीजन मैंने बताया प्लांट के केसेस में आता है. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसे लोवेस्ट कैटेगरी के बारे में, स्पीशीज के बारे में. स्पीशीज में बहुत स्पीशीज में ना वो वाले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होते हैं उनके फीचर्स में, उनकी करेक्टरिस्टिक्स में. तो स्पीशीज बहुत स्मॉल ग्रुप होता है, बहुत स्मॉल टैक्सा होता है. सो इसमें क्या है, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर. लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका की अगर हम बात करें, लाइक सोलेनम, ट्यूबरोसम, पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो लायन. तो इसमें क्या होता है, ऑल द थ्री नेम्स लाइक इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, लियो हो गया फॉर लायन, रिप्रेजेंट द स्पीशीज नेम. मैंने आपको बताया था फर्स्ट नेम जीनस का होता है और सेकेंड नेम
स्पीशीज का होता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में. फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी. ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट. एक जीनस के पास दो या उससे ज़्यादा, एक या उससे ज़्यादा स्पीशीज हो सकते हैं रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज. मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर सिमिलैरिटी. लाइक फॉर ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ रिटन एज होमोसेपियंस. पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस. सी मैं आपको बताती हूँ, जो स्पीशीज होते हैं ना, स्पीशीज में दो ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करते हैं और जब वो इंटरब्रीड करते हैं तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनता है, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. बट इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है जो कि म्यूल होता है. म्यूल में इंटरब्रीडिंग नहीं होती है, मतलब म्यूल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एंड इट इज़ इनस्टेराइल, इट इज़ इनफर्टाइल. ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होता, ये इनफर्टाइल होता है. मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पीशीज में इट्स नॉट कंपल्सरी कि इंटरब्रीडिंग में सभी ऑर्गेनिजम्स फर्टाइल ही हों, इनफर्टाइल भी होते हैं. लाइक मैंने अभी म्यूल का एग्जांपल दिया, एक हिनी भी होता है. ठीक है, म्यूल कैसे बनता है? हम हॉर्स और डोंकी का एग्जाम्पल लेते हैं. हम हॉर्स को फीमेल कंसीडर कर लेते हैं और डोंकी को हम मेल कंसीडर कर लेते हैं. तो जब फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी जब आपस में फर्टिलाइज मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं तो म्यूल ऑफस्प्रिंग बनता है जो कि स्टेराइल होता है, इनफर्टाइल होता है. हॉर्स फीमेल और डोंकी मेल. अब अदर एग्जाम्पल है हिनी का. अब हम हिनी के केस में इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब मेल को ले लेते हैं हम हॉर्स, क्योंकि म्यूल के केस में हमने हॉर्स को फीमेल लिया था. तो अब हिनी के केस में हम मेल को हॉर्स ले लेंगे और डोंकी को हम फीमेल ले लेंगे. तो जब हॉर्स और डोंकी को हम रिप्रोड्यूस करवाएंगे तो हिनी बनकर आएगा, वो भी स्टेराइल होता है, इनफर्टाइल होता है. टाइगन, टाइगन किसका रिजल्ट होता है? टाइगर प्लस लायन. टाइगन, टाइगर प्लस लायन, इसमें टाइगर मेल होता है और लायन फीमेल होता है. अगर हम लाइगर की बात करें तो लायन प्लस टाइगर, लायन मेल होता है एंड टाइगर फीमेल होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास जीनस. जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. सबसे छोटा टैक्सोनॉमिकल हायरकी में सबसे छोटा ग्रुप होता है, सबसे छोटा टैक्सन होता है स्पीशीज. उससे ऊपर आता है जीनस, यानी कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच हैज़ मोर करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा. वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज but both belong to the genus Solanum. Potato and brinjal are two different species, लेकिन इनका जो genus है वो same है, मतलब Solanum, brinjal और potato का same species है. और अगर हम बात करते हैं panthera की, panthera leo and panthera tiger, panthera same genus है डिफरेंट स्पीशीज के लिए, टाइगर और लायन के लिए. ठीक है, विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा. दिस जेनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स. कैट्स का जीनस होता है फेलिस. अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज आर फैमिली. फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज तो स्पीशीज में होती हैं, उससे कम जीनस में होती है, उससे कम फैमिली में होती है. धीरे धीरे किंगडम तक बहुत कम सिमिलैरिटीज हो जाती हैं बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
तो अगर फैमिली की बात करें, इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. फैमिलीज आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल, थ्री डिफरेंट जेनेरा, सोलेनम, पिटूनिया एंड डेटूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलाने. सी, इसमें सफिक्स यूज हुआ है सी ई ए ई. ये आपको याद रखना है कि फैमिली में जीनस के वर्ड में कौन सा सफिक्स यूज होता है. अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल, जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन एंड टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस. कैट्स की बात करें तो फेलिस इन द फैमिली फेलिडे. अगर हम फैमिली में बात करते हैं तो टाइगर, लायन और कैट, ये टाइगर और लायन पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं और कैट फेलिस से बिलोंग करते हैं. तो पैंथेरा एंड फेलिस फैमिली, डॉग की फैमिली कैनिडे होती है, कैट की फैमिली फेलिडे होती है. डॉग की कैनिडे और कैट की फेलिडे. नेक्स्ट, ऑर्डर. नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑर्डर. यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स. ऑर्डर बींग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. इट इज़ द असेंबलेज ऑफ डिफरेंट फैमिलीज. लाइक अगर हम टाइगर, कैट वर्सेस डॉग करें तो ये तीनों सिमिलर है बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कार्निवोर्स. अगर हम कैनिडे और फेलिडे की बात करें तो कैनिडे क्या होती है, डॉग, एंड फेलिडे कैट की फैमिली होती है. और अगर हम ह्यूमंस और मंकी की बात करें तो ह्यूमंस और मंकी मिलकर बनाते हैं प्रिमेटा, ये इनकी फैमिली है. नथिंग इज देयर इन दिस. द एनिमल्स लाइक ऑर्डर कार्निवोरा, इनका ऑर्डर कार्निवोरा है. इट इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे. फेलिडे होते हैं कैट्स की फैमिली, कैनिडे होता है डॉग्स की फैमिली. नेक्स्ट इज क्लास. दिस इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्रिमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिला एंड जाइबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलोंग विद अदर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग. मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो. मैमेलिया होता है, मैमेलिया में आते हैं हमारे टाइगर, कैट, डॉग वर्सेस ह्यूमन, मंकी, ये सब इनमें एक सिमिलैरिटी होती है. इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. टाइगर, कैट, डॉग, ह्यूमंस और मंकी में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन सबको हमने मैमेलिया क्लास में रख दिया है. नेक्स्ट आता है लास्ट सेकंड हमारा फाइलम. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी नोन एज फाइलम. कॉर्डेटा. कॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं तो फाइलम में हमारे सारे मैमेलियाज आते हैं, एव्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं. जो कॉर्डेटा होते हैं ना, हम मैमेलिया को, मैमेलिया में ह्यूमंस आते हैं, हम उन्हें फाइलम में क्यों रखते हैं, बिकॉज दे आर कॉर्डेटा, मतलब दे हैव वर्टिब्रल कॉलम्स. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट इज किंगडम. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाइएस्ट कैटेगरी नोन एज किंगडम. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज ऑल प्लांट्स. प्लांटे में सभी प्लांट्स होते हैं एंड किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. लोअर द वेट. किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा एग्जाम्पल.
लोअर द टैक्सा, मतलब हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के जितने नीचे जाएंगे, मोर द करेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अदर टैक्सा. लाइक अगर हम किंगडम से नीचे स्पीशीज तक जाते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, बट अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ ऊपर जाते हैं तो कैटेगरीज डिक्रीज हो जाती हैं. दिस इज़ द ऑर्गेनिजम्स विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. लाइक अगर मैन की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल नेम इसका होमो सेपियंस है, जीनस होमो है, फैमिली होमिडे है, ऑर्डर प्रिमेटा है, क्लास मैमेलिया है और फाइलम इसका कॉर्डेटा है, बिकॉज दीज मैंस हैव वर्टिब्रल कॉलम्स. अभी हमने मैंगो का पढ़ा था, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस है, फैमिली एनाकार्डियाई, ऑर्डर सेपिनडेल्स, क्लास इज डायकोटी लीडन एंड फाइलम इज एंजियोस्पर्म. सो दिस टेबल यू हैव टू रिवाइज. बाकी अभी हम इसके बेसिस पर असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं. टैक्सोनॉमिकल एड्स वी विल रीड टुमारो अबाउट हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड ऑल, ये हम कल पढ़ेंगे. नाउ लेट सॉल्व द असाइनमेंट. लाइक इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी. मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी क्या इंक्लूड करती है. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर और लास्ट में क्लासिफिकेशन. टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, क्लासिफाई एंड गिव नेम्स टू द ऑर्गेनिजम्स. सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा था. इट इज़ अ स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनकी डाइवर्सिटीज, देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज हैं, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है. मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड, देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स एंड इन सेम लैंग्वेज इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. मतलब उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में कि वो कैसे बने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. अगर हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच डिफरेंसेस को देखते हैं तो वो क्या होता है. अभी हमने पढ़ी दोनों की डेफिनेशन. सिस्टमैटिक इज स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर रिलेशनशिप्स. सॉरी, हियर इट इज. टैक्सोनॉमी रेफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड सिस्टमैटिक इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज, डिफरेंसेस बिटवीन देम, देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. टैक्सोनॉमी इज ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक इज द स्टडी रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इट डू नॉट डील विद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. टैक्सोनॉमी में हम सीधा आइडेंटिफाई करते हैं, नेम दे देते हैं और फिर क्लासीफाई कर देते हैं. लेकिन सिस्टमैटिक्स में डील्स विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. तो ये प्रोसेसेस अभी हमने पढ़े, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्पीशीज, फिर जीनस, ये सब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टैक्सोनॉमिकल एड्स. ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हमारा कल का है, बट लेट्स डिस्कस. टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं. टैक्सोनॉमिकल एड्स आर द कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हेल्प्स इन एक्सटेंसिव रिसर्च. टैक्सोनॉमिकल एड्स आर द कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड स्पीशीज. ये कलेक्शंस होती हैं प्रिजर्व्ड स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स के, विच हेल्प अस इन फर्दर स्टडी एंड रेफरेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सन एंड कैटेगरी. टैक्सन क्या होता है.
टैक्सन इज द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, एंड कैटेगरी टेंड्स टू इंडिकेट रैंक फॉर पर्टिकुलर टैक्सन. कैटेगरी टैक्सन की रैंक होती है लाइक टैक्सोनॉमिक हायरकी में. टैक्सन का एग्जाम्पल है प्रीमेटा, ह्यूमंस और मंकीज से बनता है ये ग्रुप. और कैटेगरी ऑर्डर है. प्रीमेटा किस में आता है? ऑर्डर में आता है. नेक्स्ट इज बोटेनिकल गार्डन्स आर लिविंग हर्बेरिया. कमेंट, हर्बेरियम के बारे में भी कल का टॉपिक है, बट लेट मी टेल यू, हर्बेरियम इज द हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम रिकॉर्ड्स रखता है. इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. ये उन प्लांट्स का रिकॉर्ड रखता है जो ड्राई हो चुके होते हैं, प्रेस्ड होते हैं और शीट्स पर प्रिजर्व्ड होते हैं. एंड बोटेनिकल गार्डन्स आर लिविंग हर्बेरिया एज दीज गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट स्पीशीज फॉर फर्दर स्टडी एंड रेफरेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग ना एवरी नाउ एंड देन. क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज अ मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन क्लासिफिकेशन. सिंस इवोल्यूशन स्टिल कॉन्टिन्यूज, न्यू ऑर्गेनिजम्स बर्थ ले रहे हैं, दे आर कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस, सो मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एडेड इन ऑलरेडी एग्जिस्टेड बायोडाइवर्सिटी. तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन यू कैन से. ड्रो द फ्लो चार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की. सो यू कैन सी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ म्यूजियम. म्यूजियम प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्टडिंग सिस्टमैटिक एज म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज फॉर स्टडी. ओके, so that's all for today. Thanks for watching our video. I hope you understand each and everything. For further videos, please subscribe our channel. Thank you.